तो यार बहुत खुशी होती है, बिकॉज मतलब हिंदुस्तान से कोई एथलीट को निकलना, और क्योंकि वेरी ऑनेस्टली हमारा स्पोर्ट्स का इतना बजट नहीं है जो दूसरे देशों का है, तो आर एथलीट्स हैव टू बी टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर टैलेंट एंड ऑन देयर विल पावर एज एन इंडिविजुअल. सो आई एम रियली ग्लैड कि यार शी हैज़ मेड इट टू दिस लेवल एंड वी शुड इनकरेज द यूथ. यार मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मुझे स्पोर्ट्स का इतना शौक है, मतलब अभी एक फिल्म बनाई है स्पोर्ट्स के ऊपर, गोल्फ बिसाइड्स फिल्म, हमारी एक एक CCL टूर्नामेंट भी होता है जो हम लोग सब मिलके खेलते हैं. बचपन में भी मैं अपने स्कूल के लिए स्विमिंग और फुटबॉल खेलता था, और अब जितना बच्चों को स्पोर्ट्स में इंकरेज करोगे उतना आप उनको गलत चीज़ों से दूर रखोगे, बिकॉज स्पोर्ट्स मीन्स हेल्थ, मीन्स टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आया, जब मेरा बेटा बोलता था कि पापा मैं स्मैच जा रहा हूँ खेलने के लिए, ऐसे तो वहाँ कैसी जगह होगी, यू नो क्या खेलते होंगे, कैसे खेलते होंगे, बट इतना बढ़िया है यहाँ दैट यू नो किड्स द एनर्जी इज़ बीन यूटिलाइज इन द राइट मैनर. तो चाहता हूँ ऑफकोर्स गोल्ड ही मिले. मैंने उनका गेम देखा था, सेमीफाइनल देखा है मैंने उनका, और बहुत ही ब्रिलियंटली उन्होंने प्ले किया था, और बहुत ही एग्रेसिव उसमें अटैकिंग मूड पे गेम खेला है उन्होंने. और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि थैंक गॉड इन लोगों की वजह से हमारे कंट्री में दूसरे गेम पे भी फोकस किया जाएगा, कंसंट्रेट किया जाएगा, बिसाइड्स ओनली वन और टू गेम्स. तो क्योंकि हमें जब चीज़ें मिलती हैं हमें तब रियलाइज़ होता है, और आज हमें मिल रही है, थैंक गॉड वो फाइनल में पहुंची हैं, और एक होप है और कॉन्फिडेंट है हम उस चीज़ पे, और आगे भी इस चीज़ को उसका एक मोटिवेशन लेके हम दूसरे स्पोर्ट्स पे फोकस करेंगे. नहीं कर रहे जी, कर रहे, आई मीन नहीं नहीं और कर भी रहे, जैसे क्या अभी जो सिटी टूर्स होंगे वो चंडीगढ़ में जो गोल्फ कोर्स है हम वहाँ जा रहे हैं, फिर दिल्ली में जो गोल्फ कोर्स है हम वहाँ जा रहे हैं, पुणे में जो ऑक्सफोर्ड है हम वहाँ जा रहे हैं, विच इज़ अवार्ड इज़ द थर्ड बेस्ट गोल्फ कोर्स इन एशिया, गोल्फिंग कम्युनिटी से मिल रहे हैं हम, एंड बिकॉज बेसिकली इट्स अ स्पोर्ट्स कॉमेडी. और जो भाई साहब ने भी कहा कि क्या होता है कि वी जेन्युइनली वॉन्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स, मतलब वी हैव गॉट अ ग्रेट क्रिकेट टीम, वी हैव गॉट अ ग्रेट हॉकी टीम, लेकिन बच्चे सिर्फ क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलते, यू नो आई एम वेरी ग्लैड दैट फुटबॉल नाउ इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ रिलायंस, डिफरेंट स्पोर्ट्स शुड कम इन, बिकॉज इतने बच्चे जो है जो स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल पे खेल के फिर लोग उनको भूल जाते हैं, बिकॉज हमारा देश जो इनको सपोर्ट नहीं करता है स्पोर्ट्स दे वांट टू प्ले. आई मीन सी द US बजट्स एंड सी द यूरोपियन बजट्स इन एवरी स्पोर्ट, जिमनास्टिक्स ले लो, टेनिस ले लो, एनीथिंग ले लो, इतने बड़े बजट्स होते क्या उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, इतना बड़े पैमाने पर दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर. तो with all these athletes coming in and showing that you know besides cricket and football and hockey there are other sports also, individual sports also which have to be looked into, I'm glad that she's made it to this level. dekhiye humne film to isliye nahi banayi thi ki hum usko dusre bat chuki aisa mahol hai abhi motivation mil raha hai hum logo ko, like jaise golf ki jo wo hain wo bhi final mein pahunch gayi hain, pahunchne wali hain, है ना. तो ऑफकोर्स बहुत दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी मिलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारा टैलेंट हमारे कंट्री में ऐसा है जो जिन बच्चों की या जिन प्लेयर्स की जो स्किल है वो दूसरे स्पोर्ट्स में बहुत है, अब चूंकि उनको कोई इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता तो वो हार के झक मार के चलो यार छोड़ो या क्रिकेट खेल लो. मैं कहता हूँ कि स्किल को मोटिवेट करना चाहिए, हर इंडिविजुअल में डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए उस स्पोर्ट की तरफ जिसकी उसकी स्किल है उसके पास. यार मुझे कुछ सालों से एज एन एक्टर अच्छा काम नहीं मिल रहा था, तो मैंने अच्छा काम लिया नहीं, क्योंकि जस्ट बीइंग अराउंड इन यू नो मीडियोकर फिल्म्स देयर वाज नथिंग हैपनिंग ग्रेट फॉर मी एज एन एक्टर. तो एक अच्छी बात ये थी कि एक एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउस था टू फॉल बैक ऑन, सो आई वाज वेरी ग्लैड दैट आई कुड डू अ फिल्म विद नवाज भाई, आई कैन डू द फिल्म दैट आई वुड वांट टू डू. अगर कुछ अच्छा काम मिलेगा एज एन एक्टर आई डू, अगर नहीं मिलेगा तो अपने प्रोडक्शन से खुश हो जाए. नहीं ऑफकोर्स वो तो लेजेंड है यार, मतलब यू नो आई थिंक अभी जो आपने किसी ने अभी कहा कि
दूसरे के स्पोर्ट्स पीपल लाइव्स. आई थिंक नाउ इवन आर सिनेमाज कमिंग टू द एज वेयर वी कैन स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स ऑन देम पीपल बिकॉज ऑफ मीडिया प्रेस अवेयरनेस रीच. जब एक फिल्म शुरू होती है जैसे क्या आई एम सो ग्लैड दैट मैरी कॉम वॉज मेड. नहीं तो अगर एक वो नहीं बनती वो भी यू नो शी वुड हैव बीन वन ऑफ द अनसंग हीरोज वेयर वो लोग भूल जाते हैं. आज 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 सबको याद है बिकॉज ऑफ our film medium, because of the press, because of the media. You know, so I'm so glad that our athletes and our people have been recognized now.